हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केदार पटेल ब्लॉग्स। तो गाइस, अभी मैं हूँ घर में। तो आज मैं अपने घर का पूरा टूर देने वाला हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि होम टूर क्यों? तो होम टूर इसलिए क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमारा घर टूटने वाला है। टूटने वाला नहीं, हम तोड़ने वाले हैं, क्योंकि नया घर भी बनाना है। और मैं ये वीडियो अपने सिर्फ यादों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ सालों बाद मैं देखूँगा इस वीडियो को तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये रहा अपने घर के बाहर का व्यू। हमारा एंट्री गेट जो कि अभी ये रहा, और ये रहा अपना गेट, एंट्रेंस गेट। और अंदर जाने पर आपको दिखेगा कचरा, चारों तरफ कूड़ा आसपास। ये रहा अपना साइकिल और ये बाइक जो कि हमारा नहीं है, ये एक और साइकिल। और यहाँ जाने पर आपको दिखेगा हमारा पूजा वाला कमरा जो कि अभी लॉक है, ये देखिए। यहाँ से अंदर आने के बाद ये रहा हमारा आंगन जिसमें कि अभी कुछ बिछा हुआ है। और यहाँ पे जो ये वाला घर दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टूटने वाला है। तो यहाँ पे एक नया घर रहेगा जिसको बनाएंगे अभी हम लोग। और यहाँ एंटर गेट से इधर आने पर मिलता है हमारा देसी हॉल। और यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये रहा अपना टीवी 10 साल पहले का। और ये रहा मेरा वाला कमरा जहाँ पे मैं सोता हूँ। और ये रहा मेरा स्कूल वाला बैग जिसको मैं स्कूल लेके जाता था। और ये मेरा बुक, और ये ट्रॉफी मेरा नहीं है, और ये भी मेरा ही है। और ये रहा मेरा इलेक्ट्रिशियन वाला कुछ सामान, और यहाँ पे मैं सोता हूँ। और बस कुछ ऐसा ही है ये कमरा। और चलते हैं अब दूसरे कमरे में। और इस वाले कमरे से निकलने के बाद इधर जाने पर एक और छोटा सा कमरा टाइप का दिखता है जो कि अभी पूरा भसड़ मच चुका है, क्योंकि यहाँ पे गैस का वो टेबल टाइप था, तो इसी में गैस रहता था, और इसी वजह से पूरा कचरा हो चुका है। और यहाँ पे है एक खिड़की जहाँ से कि बाहर का व्यू दिखता है। और ऊपर जाने पर दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में कोठी यानी कि दरबा। और उधर तो नहीं जाएंगे अभी। और गाइस, यहाँ से निकलने के बाद ये रहा एक और कमरा जहाँ पे भी पूरा भसड़ मचा है। यहाँ पे चावल वावल रखा जाता है, और इधर पूरा कचरा कूटा दिख रहा होगा आपको। तो अभी घर उधर शिफ्ट होने वाला है, इसीलिए चारों तरफ इतना कचरा कूटा दिख रहा है आपको। और इन सबको साफ करके अगर वीडियो बनाना चाहूँ तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और ऊपर से गालियाँ भी पड़ेंगी। तो इस चीज़ों को शिफ्ट करना है तो साफ क्यों कर रहा है बोलेंगे, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। और ये वाला है अपना रसोई कमरा, देख सकते हैं। और मशीन की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा इग्नोर करना। ये है अपना रसोई कमरा जहाँ पे खाना तैयार हो रहा है हमारे लिए। यहाँ से घुसने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे 3 गाय हैं जो कि हमारे हैं। ये एक जो कि अभी बच्चा है, और ये भी, और ये भी। और इधर जाने पर आपको दिखेगा इनके लिए घास वास रखते हैं, और एक टूटा साइकिल जो कि बचपन का है मेरा। और इस कोठे से निकलने के बाद आपको दिखाई देगा
और हाँ गाइस, यहाँ पे कोठा बोला जाता है गायों के जो रहने के स्थान को, और हिंदी फिल्मों में कुछ अलग ही होते हैं कोठे का मतलब, तो वो सब छोड़ो। और ये रहा एक कुआं जो कि हमारे घर के जस्ट पीछे में ही है, और इसमें पानी वानी कुछ नहीं है, थोड़ा सा बाकी खराब पानी है ये, इसको पीते नहीं है। और ये रहा बाहर का सीन, और इधर से देख सकते हैं गायों के लिए भूसा है, और कुछ दूर इधर आने पर आपको दिखाई देगा ये पूरा हमारा बाड़ा है जहाँ की कल ही हमने सफाई करी है। हाँ गाइस, ये रहा हमारे घर बनाने के लिए ईंट जो कि अभी काफ़ी सारा है, इतने से तो काम नहीं चलने वाला, लेकिन थोड़ा सा और लगेगा फिर हमारा घर तैयार हो जाएगा। और ये आम पेड़ जो कि कभी भी नहीं फलता, और बस कुछ ऐसा ही है हमारा घर। इस शायद ही कोई बाथरूम देखना चाहेगा इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। ये था हमारा घर। तो आई होप आज के ये घर या ब्लॉग जो भी कहो आपको पसंद आया होगा, पसंद आकर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में घर को तोड़ते हुए, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और